हाँ, तो जैसा हमने अभी तक देखा कि रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में हमने ये निकाल लिया कि अगर कोई चीज n1 into n2 के फॉर्म में है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका हम अलग अलग रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करके उसका फिर से, अगर ज्यादा ज्यादा था तो p से डिवाइड कर लेते थे, या जिस नंबर से डिवाइड करते थे उससे फिर से डिवाइड कर लेते थे, कम आता था तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता था। दूसरे तरीके में हमने देखा जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या आता था, एक आता था, या तो न्यूमरेटर ज्यादा होता था या तो डिनोमिनेटर ज्यादा होता था। तो इस केस में, जिसे फॉर्मेट थ्योरम भी बोलते हैं, इस केस में हमने देखा था कि रिमाइंडर या तो वन आता है या तो माइनस वन आता है। कुछ हम इस पे और एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं आसानी के लिए अपना। तो जैसे अभी मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन हो 27/26 की पावर 2019। अभी इस केस में भी 27 को 26 से भाग देंगे तो शेष एक आने वाला है, तो हम इसे एक ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 2019/26, और 1 की पावर कुछ भी हो उस केस में एक ही आना है, तो 1/26 रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, शेष आपका आ जाएगा एक। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जहां पे एक या माइनस एक हो जाए, जैसे अगर यही 27/28 की पावर 2019 होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो इसे मैं लिख सकता था -1 की पावर 2019/28, और फिर -1 की पावर ऑड जा रहा है तो यहाँ पे -1 ही रह जाएगा, यानी कि -1/28 इतना आ जाता 27। कैसे आता, माइनस एक में हम 28 जोड़ देते तो क्या आ जाता, 27 आ जाता। तो हमने ऐसे क्वेश्चन भी देख लिए थे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा, ये बहुत कम टाइम लेता है। ऐसे भी हमने क्वेश्चन देख लिए जो साइक्लिसिटी पे जाता था, जैसे 2 की पावर 100 अगर 11 से डिवाइड करें, क्योंकि अब यहां पे कोई भी ऐसा केस नहीं बन सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में अगर हम सेट करें कि उसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, एक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर उसे साइक्लिसिटी पे लगाएंगे। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। कुछ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट ने कुछ छोटी छोटी टॉपिक और हैं, उसे हम देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, और UP SSC की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। देखिए, ये मेरा काम है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊं, आपका काम केवल इतना है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, आप जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, और फिर जो आपको PDF दिए जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि इस अगर आप प्रोसेस से एक प्रोसेस पे प्रोसेस करते चले गए तो आप पूरे मैथ में, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जानी है, आपको केवल काम ये करना है कि हमारे साथ बने रहना है। तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि वो एलजेब्रिक केस में पूछ लेता है, एलजेब्रिक इक्वेशन कुछ होता है, मैं अभी बताता हूं आपको, और इसमें आपका रिमाइंडर पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन दे दें x² + 4x + 3, ऐसा, ये एक आपका एक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बोल दे कि अगर x + 2 एक फैक्टर है, क्या है, x + 2 एक फैक्टर है, तो शेष कितना बचेगा, या ऐसा बोले कि अगर x² + 4x + 3 को x + 2 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन पे टाइप में आते हैं, या ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन पे लगते हैं, या कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी बहुपद हो सकता है जिसमें हो सकता, ये तीन का हो सकता है, x³ + 4x² + 3x + 9, इसे x + 2 से डिवाइड किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोई n 4 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक आपको इक्वेशन दे देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा। पॉलिनोमियल में क्या होगा, फिर आपको एक नंबर जैसे x + 2 या यहाँ पे भी x + 2 है, उससे डिवाइड करने को बोलेगा, और बोलेगा ऐसे केस में शेष क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए और उसे किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी लीनियर इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री के उससे डिवाइड करना हो, तो आपका रिमाइंडर पूछता हो, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, ax² + bx² - 1 + cx² - 2 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए, इसको अगर आपको x + a से डिवाइड करने की बात करे, तो ध्यान रखिएगा x + a से डिवाइड करने की बात कर रहा है और हमें रिमाइंडर पूछ रहा है, तो
डिवाइड तब होगा जब ये एक उसका फैक्टर होगा, तो हम और कुछ नहीं करेंगे, ये x इज इक्वल टू मान लीजिए एन हो, क्योंकि ए ए सेम हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हम माइनस एन रख देंगे इस इक्वेशन में, और जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे अभी साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये इक्वेशन थी, इसे अगर x प्लस टू से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस टू लिख लेंगे। माइनस टू कहां से आया, जिससे डिवाइड करना है उसी को मैं जीरो के बराबर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस टू। अब x बराबर माइनस टू मैं इसमें रख दूंगा, रखते हैं देखते हैं क्या होता है, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पे रखेंगे, यहाँ पे 4 इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ पे 3, ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 1। तो ऐसे केस में क्या बचा, माइनस का 1। अब देखिए अगर यहीं पे मान लीजिए ये क्या होता, 5 होता, तो रिमाइंडर क्या था, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो यहां भी 5 हो जाएगा, यहां भी 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की बात कर रहा हो और आपको रिमाइंडर निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड करना है यहां पे जैसे x प्लस एन से, यहां पे जैसे x प्लस टू से, हमें इसे जीरो के बराबर रख देना है, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। इससे डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि x प्लस टू ऐसे किसी इक्वेशन का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ये पूरा इसका फैक्टर होता, फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड होता, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता, तो रिमाइंडर कहा जाता, जीरो आ जाता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, ऐसा ही है इस इक्वेशन में, यहां पर मान लीजिए ए एक्स कर दे, ठीक, और यहां पर बोले कि ये एक्स प्लस टू इसका एक फैक्टर है, ए की वैल्यू पता करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस टू यहां पे रख देंगे, और क्योंकि उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अभी आपने देखा कि जब आप x इज इक्वल टू माइनस टू रख रहे हो इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में रख रहे हो, और इस इक्वेशन को रखने के बाद जो वैल्यू आती है, यहां पे ये वैल्यू आई, ये वैल्यू है क्या, इसका शेष ही तो है। तो हम अभी भी x इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे, और अगर ये इसका पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो शेष क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। तो हम यहां पर एक बार रख के देख लेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी देखिए अगर रखें तो वहां पे माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस फोर, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू, ये हो जाएगा चार, ये माइनस टू ए माइनस चार, ये कट जाएगा। हमें इसे किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमें क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा माइनस टू ए बराबर जीरो, या टू ए बराबर जीरो, या ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। इस केस में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी इसी क्वेश्चन में ये क्या होता, ए प्लस टू होता, ए प्लस टू होता। अब इसे हम करते तो बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस टू रखेंगे तो यहां पे तो फोर हो जाना है, प्लस ए प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ये फिर कट गया, और ये बराबर जीरो होना है। अब ये बराबर जीरो, माइनस टू बराबर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए प्लस टू बराबर ही जीरो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा इस केस में। कहने का मतलब अगर ऐसा करना है, ऐसी कोई वैल्यू आती है पूछती है, तो हम फिर से ये वैल्यू जो फैक्टर है इसे जीरो के बराबर कर देंगे और उसे रख देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा ए का वैल्यू। अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आता है जहां पे वो कोई ए या बी की वैल्यू नहीं पूछता है, सीधा रिमाइंडर पूछता है, तो हम सीधा वैल्यू रख देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका ये और क्लियर हो जाए, आपके यूपी ट्रिपल एस सी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं है, हम इसे बारी बारी से एक एक करके देख ले रहे हैं क्वेश्चन को।
आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ही पूछा हुआ है, बहुत सारे जो एग्जाम होते रहते हैं, तो इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी रिमाइंडर से कैसा क्वेश्चन रखता है और हमें कैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन है 3x³ - 7x² + 11x + 1। इसे कह रहा है कि अगर x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि 3x³ - 7x² + 11x + 1 को x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कितनी, 3 डिग्री की, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये हम अल्जेब्रा में अच्छे से पढ़ेंगे जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे होंगे, अभी आप इतना समझिए। तो ये एक पॉलिनोमियल है, हमें उससे लेना देना नहीं है कितने डिग्री का है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी लिखा है एज इट इज लिखा रहने दीजिए। तो 3x³ - 7x² + 11x + 1 को x प्लस 3 से डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी को जीरो रख देना है, इसे जीरो रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × -3³ - 7 × -3² + 11 × -3+1। ये जो वैल्यू देगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ये कितना देगा, 27, और आगे माइनस आ जाएगा, आगे 3 है माइनस, यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, और 9 से बन जाए 63, माइनस का 63 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 33 आ जाएगा और प्लस का 1, ये लिखा रहने दीजिए। ये आपका लिखा है माइनस का 81, माइनस का 63, माइनस का 33 प्लस 1, इसे जोड़ लीजिए कितना आएगा, 8 × 3 = 4, 8 × 6 = 14, -114 - 33 + 1 ये आ जाएगा, 4 × 3 = 7, 4 × 3 = 7, 177 माइनस का प्लस 1 यानी कि माइनस का 176 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस का 176। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप अपना 2 नंबर बचा सकते हो या आप गंवाओगे। तो यहाँ पे हमें, हमसे कोई भी क्वेश्चन बचने ना पाए, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके ही एग्जाम में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही है, थोड़ा सा क्या है देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x³, ये x³ है, 2x³ + ax² बताया ना कि वेरिएबल टाइप में वो पूछेगा, +bx - 2, ये क्वेश्चन दिया है, 2 वेरिएबल आया है, बोले का एक गुणनखंड, इसका एक फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर इसका जो दिया है, एक गुणनखंड जो दिया है, ये बोल रहा है कि x+2 है, तथा इसे 2x - 3 से भाग देने पे, अब बोल रहा है कि इसे 2x - 3 से भाग दिया जाए तो 7 बच, हाँ तो 7 शेष बचता है। ठीक, पूछ रहा है a का मान है, आपसे a का मान पूछ रहा है, a की वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसने 2 कॉन्सेप्ट को यूज किया है, एक तो रिमाइंडर का और दूसरा फैक्टर का। अभी अभी मैंने बोला कि अगर उसका कोई फैक्टर है, मतलब कि ये इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए भाई, 0 बचना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर बोला जा रहा है कि उसे 2x - 3 से जब डिवाइड किया जाता है तो 7 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, 2x - 3 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये भी इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर फिर से क्या बचता, 0 बचता, लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, एक बार तो ये फैक्टर है तो x = -2 रख देंगे और इसकी वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला काम क्या करते हैं, 2x³ + ax² में x = -2 रखेंगे, तो 2 × -2² + a × -2² + b × -2 - 2 = 0, 0 इसलिए क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये आएगा -8 यानी कि -16 जब 2 से गुणा होगा, ये आएगा
प्लस का 4a, ये आएगा माइनस का 2b, ये माइनस 2 बराबर 0, यानी कि ये लिखा है 4a माइनस 2b माइनस 18 बराबर 0 या 4a माइनस 2b माइनस सॉरी बराबर क्या जाएगा 18, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने एक वैल्यू एक इक्वेशन ये बना ली, मैं इसे इक्वेशन एक लिख दे रहा हूं क्या करके ये वैल्यू पुट करके। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहां से निकल के, अगर 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करें तो x बराबर क्या जाएगा 3/2, और 3/2 हम यहां पे रखेंगे। तो दूसरा केस देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, जब 3/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 × 3/2 का क्या क्यूब प्लस a × 3/2 का स्क्वायर प्लस b × 3/2 − 2, अब बराबर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा 7 आएगा। इसे करेंगे तो 3 × 3 = 27, 2 और यहां पे 2 क्यूब कट के यहां पे स्क्वायर बना देगा, यानी क्या आएगा 4 आएगा। प्लस ऐसे यहां पे 9a/4 प्लस 3b/2 − 2 बराबर 7। ये 27/4 है, ये 9a है अपॉन 4 प्लस 3b/2 बराबर 9। 4 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए ताकि ये नीचे का 4 हट जाए, तो ये हो जाएगा 27 + 9a + 3b × 2 क्या हो जाएगा 6b = क्या हो जाएगा 36, यानी कि 9a + 6b बराबर कितना आ जाएगा 36 में से 27 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 9, यानी कि 9a + 6b बराबर क्या हो गया 9। ये आपका दूसरा वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आपका यहां से इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन 9a + 6b = 9 आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, यहीं पे लिख ले रहे हैं 9a + 6b = 9, ये दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ए की वैल्यू पूछना है हमें, बी कट कर देना है, बी कट करने के लिए ऊपर इक्वेशन में 3 से गुणा कर दें और उसके बाद दोनों को जोड़ दें, तो यहां पे 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21a, ये दोनों तो कट जाएगा बराबर 18 × 3 + 9, तो 18 × 3 = 54, तो 54 + 9 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 21a बराबर आपका आ जाएगा 63, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, और अगर एग्जाम में आ जाता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा आप इसे गलत भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे हैं कि कोई पूछते बोलते हैं कि कोई ट्रिक बता दीजिए कि इसे खट से लगा दें। देखिए जो एलजेब्रा पार्ट होता है, एलजेब्रा पार्ट हुआ, नंबर सिस्टम पार्ट हुआ, इन सब में आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर ले जाओगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लग जाएगा। ये मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लिया हूं, आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हो और जितना आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन आपकी उतनी ही फास्ट होगी, कोई अदर तरीका नहीं है, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन है लिख दे रहा हूं आपके बोर्ड के सामने, जिन्हें भी थोड़ी बहुत अगर ना समझ में आया हो वो वीडियो पॉज करके पीछे फिर से करके देख सकते हैं, एक एक स्टेप में बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, जीरो से लेके सबको बता रहा हूं, कि अगर कोई ऐसा भी बच्चा हो जो ये समझता हो कि नहीं मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूं, वैसे मंदबुद्धि कोई होता नहीं, बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप उसे पैक करके देख सकते हैं, वीडियो में यही तो फायदा होता है, क्यों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर, आपको मानने को बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 तथा जी एक्स बराबर, दो इक्वेशन दे रहा है, एक एफ एक्स ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दूसरा पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुपदीय इक्वेशन क्या है जी एक्स है, और इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, तो सिमेट्री आपको दिख रही होगी, वेरिएबल उसका चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। फिर बोल रहा है कि यदि एफ एक्स का x-2 एक गुणनखंड हो, इसका एक फैक्टर क्या है
x माइनस टू, मतलब x माइनस टू से ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। फिर बोल रहा है जी एक्स को x माइनस टू से अगर भाग दिया जाए, इसे x माइनस टू से भाग दिया जाए तो शेष 15 बचता है। ये फैक्टर नहीं है, x माइनस टू इसका तो फैक्टर है लेकिन इसका फैक्टर नहीं है। इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, माइनस का 15 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे b का मान होगा, b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन से उम्मीद लगा लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, हमें कॉन्सेप्ट कितने डीपली जानना चाहिए, कितना हमें प्रैक्टिस की जरूरत है कि एग्जाम में करें। आप क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं अर्थमेटिक करके केवल जाते हो, कहीं आप यूट्यूब पे देख लोगे या कहीं आप किसी कोचिंग में चले जाओगे, वहां पे भी आपको मोस्टली अर्थमेटिक बताई जाएगी, बोला जाएगा ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमारी सबसे सही तरीका होता है तैयारी करने का कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, किताब पलटो, कहीं से सर्च करके आओ, बहुत सारी पब्लिकेशन है वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देती हैं, वहां से देखो आखिर क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का पूछ रहा है। अब आप अपने मैच्योरिटी लेवल पे सोचो कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि अभी हम कोई एग्जाम देखें, जैसे मंडी परिषद का एग्जाम देखें या युवा कल्याण का एग्जाम देखें या टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर आया था, आप लोग देखे होंगे कितनी अच्छी मैथ उसमें पूछा था। तो ऐसे सारे पेपर जो हाल में हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में, मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, वो भले 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके साथ साइंस मिक्स कर दिया है, लेकिन वो 25 क्वेश्चन सारे टॉपिक को कवर कर रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, वो आपसे प्रोबेबिलिटी भी पूछ ले रहा है, वो आपसे पीएनसी भी पूछ रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछ रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ लेता है जहाँ पे स्लोप वगैरह ढाल वगैरह निकलते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है, ज्योमेट्री में इंसुलेशन एलजेब्रा नंबर सिस्टम सब कुछ पूछ रहा है। तो हमें ऑलराउंडर होना चाहिए, हमें एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक महीने का केवल एक क्रैश कोर्स है, एक महीने में अगर आप सारे वीडियो देख लोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, तो एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, जितना मैं बोल दे रहा हूँ बस आपको उतना फॉलो कर लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे फैक्टर इसका क्या है, एक्स माइनस टू। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स माइनस टू से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और कैसे हम इसे डिवाइड करते हैं, इसी एक्स माइनस टू को जीरो के बराबर कर लेते हैं और टू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसका रिमाइंडर जीरो दिखा देंगे, मतलब कि उसको बराबर जीरो दिखा देंगे। ठीक है, से इसमें, लेकिन इसमें इसने बोला ये कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ये बोल रहा है कि जब इसे x माइनस टू से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस 15। तो सिमिलरली अभी इससे पहले जो क्वेश्चन के ठीक वैसा ही है, बस उसने क्या किया, लैंग्वेज बदल दिया, उसने एफ एक्स और जी एक्स बराबर दिखा दिया। अब मैक्सिमम बच्चे जैसे ये एफ एक्स बराबर ही है, वो जैसे पहले लाइन में बोला मान लीजिए एफ एक्स बराबर ही है, आधे बच्चों के तो हाथ पैर वैसे ही ढीले हो गए, उन्हें लगा कि पता नहीं किस ग्रह से क्वेश्चन आ गया और हम तो अब नहीं कर पाएंगे, हमारी मैथ वैसे कमजोर है। कमजोर तो रहेगी क्योंकि आपने उसे कभी देखा नहीं, अगर आप देख लिए होते तो मैथ क्यों कमजोर रहती। तो देख लेते हैं, मैथ को हम थोड़ा मजबूत बनाते हैं, वी की वैल्यू पता करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एफ एक्स बराबर इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस टू फैक्टर है, तो x बराबर टू रखने पे ये इक्वेशन जीरो हो जाना चाहिए, रख दीजिए। a इंटू टू का स्क्वायर प्लस b इंटू टू प्लस टू बराबर क्या रख दोगे, जीरो। ये आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस टू बराबर जीरो, ये आ जाएगा 4a प्लस 2b बराबर माइनस का 2। इक्वेशन आपको एक मिल गया, थोड़ा जल्दी से करते हैं। दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि जब हम x माइनस टू से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 15। तो बस हम जब x बराबर टू रखेंगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, 4b, चलिए मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, b इंटू टू का स्क्वायर प्लस a इंटू टू प्लस 1 बराबर क्या इस बार, माइनस 15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हमने जीरो रखा, क्यों, क्योंकि x माइनस टू इसका फैक्टर था, लेकिन यहां पे हम जीरो नहीं रख रहे हैं क्योंकि बोल रहा है x माइनस टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस 15 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 4b प्लस 2a प्लस 1 बराबर माइनस 15, यानी 4b प्लस 2a बराबर माइनस का 16, या 2a प्लस 4b बराबर माइनस 16। तो आपकी इक्वेशन एक ये, इक्वेशन दो क्या आ गई, 2a प्लस 4b माइनस 16। फिर से आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ।
फोर ए प्लस टू भी बराबर माइनस टू और टू ए प्लस फोर भी बराबर माइनस का 16। बी की वैल्यू पूछ रहा है तो ए को हमें खत्म करना पड़ेगा, इसमें दो से गुणा कर दो तो ये फोर ए हो जाएगा, फिर माइनस कर दो तो इसमें से इसे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये तो जीरो बच जाएगा, यहाँ पे आठ हो जाएगा, टू बी में से आठ भी माइनस जाएगा तो माइनस सिक्स भी आ जाएगा, यहाँ पे सोलह दूना बत्तीस हो जाएगा और माइनस बत्तीस में माइनस टू से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो माइनस सिक्स बी बराबर 30 तो बी बराबर आ जाएगा माइनस पांच, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने उसने पूछा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट जान रहे हो, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आप इसे एलजेब्रा समझ के एकदम मत जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर आप एलजेब्रा मान लिए तो आधे बच्चों का तो हाथ पैर वैसे ढीले हो जाते हैं, आपको मालूम ही होगा एलजेब्रा से डर कितना लगता है बच्चों को। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया आपका रिमाइंडर पे तो हमें क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिससे वो डिवाइड करने की बात करे उसे जीरो के बराबर रखेंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो, अगर फैक्टर नहीं होगा तो जो उसकी वैल्यू आएगी वैल्यू पुट करने पे वो आपका क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है रिमाइंडर में, उससे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखिए बहुत लोग होते हैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को ही रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, नहीं अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम एक अलग चीज है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल या शेष, है ना, इससे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दूसरे शब्दों में डी बराबर डी इनटू क्यू प्लस आर। समझिए ये है क्या, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 37 को 7 से भाग दिया जाए, अगर 37 को 7 से भाग दिया जाए तो यहां कितनी बार जाएगा 5, क्या आएगा 35 और ये क्या बचेगा 0 दो। देखिए ये आपका क्या है भाजक है, जिससे आप भाग दे रहे हो डिवीजर है, ये आपका क्या है डिविडेंड है, ये है आपका भाज्य और मतलब जिसमें भाग दे रहे हो, ये आपका क्या है कोशेंट है मतलब आपका भागफल है और ये आपका क्या है रिमाइंडर है मतलब कि आपका शेष है। तो अभी ध्यान दीजिए बस यही एक भाग में ये बोल रहा है कि ये 37 बराबर अगर आप 5 का 7 से गुणा कर दो और उसमें शेष जोड़ दो तो ये बराबर आ जाएगा, आ तो जाएगा ही भाई, ये 35 प्लस 2 क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, तो इधर भी 37 और इधर भी 37 दोनों बराबर तो है ही है। तो बस ये एक थ्योरम है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके ही एग्जाम में आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के, हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है और उस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को और कितनी जल्दी करेंगे, थोड़ा कुछ समय बच सकता है कि नहीं बच सकता है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, कोई संख्या है किसी संख्या को 52 से 52 से 52 मतलब हाँ भाग देने पर, अगर इसे 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए, फिर इसी संख्या को यदि उस संख्या को किससे भाग दिया जाए 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, बस ये पूछ रहा है, तो कितना शेष बचेगा, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि
44 क्या है? रिमाइंडर है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं, आपके रिमाइंडर थ्योरम का है। आप ऐसे समझ लिए कि मान लीजिए वो नंबर क्या है, एन है। समझिएगा, संख्या को 52 से भाग देने पर, हम 52 से भाग दे रहे हैं किसमें? संख्या में। संख्या को हमने क्या माना? एन माना। एन को जब 52 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 44। मैं कह रहा हूं एन को 52 से भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा ना, भागफल आपका कुछ होगा, मान लो वो कितना आया, एक्स आया। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो एन बराबर 52 × x + 44, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही तो लिखा है, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बस ये एक आपका लिखा हुआ है। अब दूसरा केस आपसे कह रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए, मतलब n को ही 13 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अभी आपने देखा, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि कोई चीज n1 into n2 के फॉर्म में हो और किसी नंबर से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहां का रिमाइंडर इंटू यहां का रिमाइंडर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका मान लीजिए n1 है, ये आपका मान लीजिए क्या है, n2 है। n1 को 13 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा? यहां पे तो रिमाइंडर 0 बचना है क्योंकि 13 × 54। इसी को हम डिवाइड करके देख तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 44 को 13 से भाग दोगे क्या जाएगा? 13 × 26, 13 × 39, कितना आएगा शेष? 5 आपका शेष बच जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 5। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कितनी बड़ी भी लैंग्वेज लिख ले, कितना बड़ा भी वो घुमा के लिख ले, आपको केवल एक काम करना है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रिमाइंडर बच रहा था पहले केस में कितना, 44, जो पहले केस में रिमाइंडर बच रहा था, दूसरे केस में आपका जो भाजक है उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। यानी आप इस क्वेश्चन को सीधा 44/13 कर देते तो आपका उत्तर एक सेकंड में आ जाता, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको केवल समझाने के लिए ऐसे बताया हूं कि कोई नंबर n होता है तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया वहां से, लेकिन हम इसे ऐसे लगाएंगे। एक बात समझिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट कर सकता कि ये जो यहाँ पे नंबर है, जैसे यहाँ पे ये 54 हो जाए, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे जैसे क्या है, 2 शेष है। अब हो सकता है एक्स भी तो कुछ हो, उसमें भी तो कुछ शेष बचे, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा आखिर शेष कितना बच रहा है। ऐसे केस में हमारा उत्तर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन रखेगा तो ये वाली जो संख्या होगी यहाँ पे 52, ये हमेशा इस नंबर से डिवाइड होगी। मतलब कि जब वो दूसरी बार डिवाइड करने की बात कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली पहले वाले नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो जाएगा, नहीं लगा सकते हैं उसको। तो इसे ध्यान दीजिएगा, हमारी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसी को समझना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जो पहला वाला शेष बच रहा था दूसरे वाले भाजक से सीधा भाग दे दो तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, इसी क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, क्या बच रहा है, 75 शेष बच रहा है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। अभी अभी मैंने बोला कि इस नंबर को यह नंबर तो डिवाइड कर ही रहा होगा, आपको क्या करना है, केवल 75/37 कर लेना है बस। मान लो आप 37 दुना जाओगे तो कितना होगा, 30 × 60, 7 × 14, 64, सॉरी 74, यानी कि शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर? तो बस आपका एक सेकंड का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे क्विकली लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, किसी संख्या को 225 से भाग देने पर, यहां पे इस बार नंबर चेंज कर दिया है क्या, देख लीजिए बार बार, ये मैं जो तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी का है,
कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये, और 90% चांस है कि नंबर सिस्टम से अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा तो फिर से वो यही देगा। यही नहीं, राज्य सरकार की कोई भी नौकरी है, कोई भी नौकरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी आयोग का कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम एक और देख लेते हैं, इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक ही पे करा दे रहा हूं। कह रहा है कि किसी संख्या को 225 से भाग देने पर 70 शेष बचता है, उसी संख्या को, हाँ थोड़ा सा चेंज है, यदि संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या के वर्ग को, थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि उसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करता है तो शेष क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे में भी जो पहले था अभी आप तक क्या करते थे, अगर वर्ग ना होता तो आप 70/15 कर देते, लेकिन इसके वर्ग की बात कर रहा है तो आप इसको क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, यानी क्या हो जाएगा ये 70×70/15। यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा 15×60 10, यहां पे भी 10, यानी क्या हो जाएगा 100/15, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वो वर्ग कहे तो वर्ग, ये इसे घन कह देता, क्यूब कह देता, तो क्या हो जाता, यहां पे हम कर लेते तो 1×10 रिमाइंडर और आ जाता, ये कितना हो जाता, फिर यहां पे भाई फिर से करते तो 100, यहां पे रिमाइंडर आया 10×10, फिर 100/15 कर देते, आपका रिमाइंडर कितना आना था, 10 ही आना था। तो वो कुछ भी करे उस हिसाब से हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऐसे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे दो संख्या जब 17 से भाग दी जाती है, इस बार संख्या कितनी है, 2 है, दो संख्या जब 17 से भाग दी जाती है एंड टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 17, तो 13 तथा 11 शेष बचता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो 13 तथा 11 शेष बचता है, यदि दोनों संख्या के योग को 17 से विभाजित कर दिया जाए। क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्या के योग को 17 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो पढ़ के आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, बोल लिया कोई कोई नंबर n1 है और कोई नंबर n2 है, n1 को जब किससे 17 से भाग दिया जाता है तो शेष 13 बचता है, और n2 को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेष 11 बचता है, तो n1+n2 को 17 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। तो हमने तो ये टॉपिक में अभी पढ़ ही लिया कि अगर ऐसा होता है तो इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर उसी को कर देंगे, तो 13 और 11 को हम जोड़ देंगे और 17 कर देंगे, 13 11 कितना हो जाएगा 24, 24/17 कितना आ जाएगा 7, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो आपको भाषा में घुमाने की कोशिश करेगा, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप समझदार बनो, इंटेलिजेंट बनो, आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से जाओ, जीरो से लेके हमें एडवांस तक सीखना है, क्योंकि हमें इस चैप्टर से एक भी नंबर मिस नहीं होने देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।